मुद्दा उठाया, इस मामले पर विधायक ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हरियाणा मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन आज था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अहम मुद्दे को लेकर लाया गया था, जिसमें कि जिस तरीके से अभी कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं वो रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गया था, ये पूरा जो मुद्दा है इसको लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, शुरुआत की उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। सर, क्या चर्चा की आपने और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला इस पूरी चर्चा के बाद? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है युवाओं के भविष्य के लिए। उनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ और जो एक ऐसे त्रास्त युवक हो रखा है, उसमें जो ये पेपर लीक वाला मामला है और जिस प्रकार से सरकार गलत चीज़ें बता रही है, आज वो इसी बात को मानने को तैयार नहीं सरकार की, वो तो चार पेपर, ये मैं कहता हूँ 28 नहीं, 28 से भी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं अभी तक। आपके सामने न्यूज़ आती रही, आप सबने चैनल में दिखाए सभी साथियों ने, तो आज ये सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं मैंने मुद्दा उठाया। मैंने ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन में लेके आया 15 दिन पहले, कांग्रेस ने दबी लिया, मेरे साथ कनेक्ट किया कांग्रेस को भी, तो ये लोग ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है ये युवाओं के लिए, तो इसकी जड़ तक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर HSC की इन्वॉल्वमेंट के पेपर लीक नहीं हो सकते, तो उसकी जिम्मेवारी तय करना भी बहुत ज़रूरी है। HSC के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, सेक्रेटरी है, उनकी जिम्मेवारी इसके अंदर होनी चाहिए और उनका दायित्व, तो उनके ऊपर सजा का प्रावधान होता है तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा सख्त उनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि तंत्र आप बताओ जिस गिरोह की बात कर रहे हैं, गिरोह से करिए, वो गिरोह कहाँ से लता है? HSC के ब्लेसिंग से ही गिरोह चल रहा है ना। UPSC का पेपर क्यों नहीं लीक होता? IIT का पेपर लीक क्यों नहीं होता? NIT का पेपर लीक क्यों नहीं होता? ये क्योंकि वहाँ सिस्टम सुदृढ़ है, उसमें खामियां नहीं है। हमारे यहाँ HSC के सिस्टम में खामियां हैं, इंटरनल प्रॉब्लम है। पहले भी आप देखिए, इससे पहले वाला जो चेयरमैन थे उनकी वीडियो वायरल हुई थी, प्रेशर के बाद उनको हटा भी दिया गया था, 15 दिन के बाद उनका शुद्धिकरण करके दोबारा लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गवाह हैं पूर्व की जो घटनाएं हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हुई हैं वो बगैर HSC की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हुई हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सदन में भी रिक्वेस्ट की और आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्दबाजी में इस बिल को भी रोकें, क्योंकि इस बिल के अंदर बहुत कड़ा है, 5,000 से लेकर 10,000,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, 2 साल से 10 साल तक की सजा है। इससे किसी गरीब और जो है बेकसूर बच्चे को जो ना सजा होने की संभावना ज़्यादा है, इसका मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है, तो सरकार को जल्दबाजी ना करके इसकी पूरी जांच करा के ही बिल लेके आना चाहिए। और मैंने उसके लिए पुरजोर जो हम मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट निवेदन किया है, वो कितना उस पर अमल करते हैं, नहीं तो मैं गवर्नर को भी इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, इस बिल को वहाँ से गवर्नर में के यहाँ से उसको रोक दिया जाए। तो ये विषय बहुत गंभीर विषय, इसकी CBI जाँच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की एक शंका थी कि भाई उससे कहीं HSC का आगे की काम ना अवरुद्ध हो जाए, रोक जाए, तो उसके लिए वो हरियाणा सरकार वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि आगे फर्दर जो हमारी और इम्प्लॉयमेंट भर्तियाँ होंगी उसके ऊपर जो है ना CBI को रोक ना लगाए, उसके लिए को बात करके CBI अगर स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री बात करें रोके ले। लेकिन ये जांच CBI से होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, तो ये इसमें शंका नहीं होनी चाहिए और बगैर संकोच के मुख्यमंत्री जी को CBI जांच के आदेश कर देने चाहिए इसको। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने यहाँ पर CBI जांच की मांग तो की ही है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसके साथ सदन में भी इस पूरे मामले को जोरदार तरीके से उठाया और बिल वापसी की मांग जो है वो उनकी तरफ से की गई। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी पारचा के साथ अनिल कुमार।